Hi everyone! I am Karan Mashru. Welcome to this video. In this video, we will discuss Codeforces Round 840 Division 2 problem C, that is another array problem. Also, before going on, make sure you register for the upcoming coding contest by Newton School for some amazing experience and prizes. Link is given there in the description. Always let's start by understanding the question. You are given an array A of N integers. यू आर अलाउड टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन इट एज मेनी टाइम्स एज यू वॉन्ट जीरो और मोर टाइम्स ठीक है क्या बोला गया है फर्स्ट पैराग्राफ में कि हमारे पास एक एरे ए है जिसकी लेंथ एन है मतलब कि इसमें एन एलिमेंट्स है और नीचे एक ऑपरेशन की डेफिनेशन दी गई है और बोला गया है कि ये ऑपरेशन जो है वो हम इस एरे पे हम चाहे उतनी बार कर सकते हैं मे बी जीरो टाइम्स एंड मे बी मोर टाइम्स कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑपरेशन क्या है चूज टू लेस लेसन इक्वल टू एन एंड रिप्लेस ए के फॉर ऑल के बिटवीन आई एंड जे विथ मॉड्यूलस ए आई माइनस ए जे ठीक है क्या है ऑपरेशन की डेफिनेशन कि कोई दो इंडासीज आई एंड जे सिलेक्ट करना है सच दैट वन इज लेस इक्वल टू आई इज लेस दैन जे लेस इक्वल टू एन ध्यान रखना यहाँ पे आई और जे अलग अलग इंडा यहाँ पे इक्वल टू नहीं है और फॉर ऑल इक्वल मतलब टू आई टू जे मतलब आइथ इंडेक्स से लेकर जेथ इंडेक्स तक जितने भी इंडेक्सेस है उन सबको हमें रिप्लेस किससे करना है ए के इक्वल टू मॉड्यूल ए आई माइनस ए जे मतलब कि इस इंडेक्स पे अगर फाइव है और ये मेरा आइथ इंडेक्स है इस इंडेक्स पे अगर थ्री है और ये मेरा जेथ इंडेक्स है तो अगर मैं इसको आई और इसको जे सिलेक्ट करता हूं तो इन दोनों की एब्सोल्यूट डिफरेंस वैल्यू क्या हो जाएगी फाइव माइनस थ्री इक्वल्स टू टू तो इन सब के बीच में जितने भी इंडेक्सेस हैं उन सबको मुझे टू से रिप्लेस करना है ये एक ऑपरेशन हो गया ठीक है प्रिंट द मैक्सिमम सम ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ द फाइनल एरे यू कैन ऑप्टेन इन सच अ वे तो अब इस तरह के ऑपरेशन हम चाहे उतनी बार कर सकते हैं और ऐसा करके हमें बताना है कि मैक्सिमम सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे क्या पॉसिबल है मतलब कि इस तरह से हम एरे के एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं तो हमें एंड में जो सभी एलिमेंट्स का जो सम है एरे का उसको मैक्सिमाइज करना है तो वो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है ये पूछा गया है ठीक है इनपुट किस तरह से है इनपुट में सबसे पहली लाइन है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में एन दैट इज द लेंथ ऑफ द एरे नेक्स्ट लाइन में एरे एलिमेंट्स बताना है यहाँ पे लिखे हैं आई होप क्वेश्चन क्लियर अब इसके कंसेप्ट मूव करते हैं so, सो अब कंसेप्ट की बात करें तो देखो हमें एरे ए दिया गया है और उस क्या हमें क्या बताना है मैक्सिमम सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मतलब कि समीशन आई इक्वल टू वन टू एन ऑफ आई ये एरे के एलिमेंट्स का जो सम है इसकी क्या मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो बताना है ठीक है अब ये मैक्सिमम बताना है मतलब ये वेरी हो रहा होगा वेरी कैसे होता है हमें यहाँ पे एक ऑपरेशन दिया गया है और वो ऑपरेशन हम चाहे उतनी बार कर सकते हैं एरे पे ठीक है ऑपरेशन क्या है कि कोई भी दो इंडेक्स एरे के सिलेक्ट करो आई एन जे लेट सपोज दिस इज आई दिस इज जे एंड इन दोनों इंडेक्सेस पे जो वैल्यू है उनका डिफरेंस लो लेट दिस इज सिक्स दिस इज थ्री तो सिक्स माइनस थ्री की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है यहाँ पे थ्री होगा यहाँ पे सिक्स होगा तो ये थ्री माइनस सिक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी मतलब कि ये हमेशा पॉजिटिव होगी और ये जो रिजल्ट आता है वो आई से लेके जे इंडेक्स तक जितने भी इंडेक्सेस है उन सभी को इस डिफरेंस से रिप्लेस कर देना है ठीक है एक ऑपरेशन में कोई दो इंडेक्स सिलेक्ट करो उनके बीच के एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालो ए आई माइनस ए जे और उस आई से लेके जे इंडेक्स तक सभी इंडेक्सेस को इस वैल्यू से रिप्लेस कर दो ठीक है ओके नाउ यहाँ पे एक बात समझो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कभी बढ़ेगी नहीं कहने का मतलब क्या है अगर मेरा एरे है फोर थ्री फाइव नाइन सिक्स ठीक है तो ये जो वैल्यू है थ्री और फाइव ये मैं बढ़ा सकता हूं कैसे लेट मी टेक दिस आई एस टू एंड जे एस फोर ठीक है तो ए आई माइनस ए जी क्या हो जाएगा सिक्स तो ये फोर सिक्स 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 ठीक है तो मैंने इस सब एरिया पर ऑपरेशन अप्लाई कर दिया ठीक है और यहां पे सभी वैल्यूज को सिक्स से रिप्लेस कर दिया तो ये जो डिफरेंस था नाइन माइनस थ्री वाला वो इस वैल्यू से बड़ा था इस वैल्यू से बड़ा था लेकिन नाइन से बड़ा नहीं था सिमिलरली पूरे एरे का जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उससे बड़ी वैल्यू कभी नहीं हो सकती क्यों क्योंकि हम यहां पे हमेशा एक ऑपरेशन में ए आई माइनस ए जे से सभी एलिमेंट्स को रिप्लेस करते हैं फ्रॉम आईथ इंडेक्स टू जेथ इंडेक्स तो एरे का जो सबसे बड़ा एलिमेंट है इनिशियली ओवरऑल जो मैक्सिमम एलिमेंट है उससे ज्यादा हम किसी एलिमेंट की वैल्यू नहीं कर सकते ये पॉइंट क्लियर है ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे इस एरे में अगर मैं एलिमेंट्स की वैल्यू को नाइन्थ से ज्यादा नहीं कर सकता ये तो पता चल गया तो इस एरे की मैक्सिमम सम ऑफ एलिमेंट्स आइडियली क्या हो सकता है वो हम सोचते हैं फिर हम सोचेंगे कि वो अचीवेबल है कि नहीं मतलब कि इस एरे में मैं इस वैल्यू को इससे ज़्यादा नहीं कर सकता इनफैक्ट किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को मैं नाइन से ज़्यादा तो नहीं कर सकता बिकॉज हमेशा हम डिफरेंस से रिप्लेस कर सकते हैं तो आइडियली नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स है ठीक है फाइव मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा वैल्यू किसी की नहीं हो सकती तो मैक्सिमम सम आइडियली क्या पॉसिबल है क्लियर है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स है हम किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को इससे ज्यादा नहीं कर सकते तो मैक्सिमम सम ऑफ एलिमेंट्स क्या हो सकता है जब सभी के सभी वैल्यूज जो है वो इस मैक्सिमम एलिमेंट के बराबर हो जाए मतलब नाइन फाइव फोर्टी फाइव ठीक है अब हमें यह सोचना है कि क्या यह अचीवेबल है कि नहीं ठीक है तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो अगर आप पर्टिकुलर आई जे वैल्यू पे सेम आई जे वैल्यू पे अगर दो बार ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो उस आई से लेके जे इंडेक्स तक सभी वैल्यू जीरो हो जाती है ठीक है उसके बाद आप नाइन को किसी जीरो के साथ कंबाइन करके ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो कैसे देखो ये मेरा एरे है ठीक है मैं क्या कर सकता हूं मैं फोर एंड थ्री को आई एन जे ले सकता हूं आई इक्वल टू वन जे इक्वल टू टू तो फोर माइनस थ्री ये वन वन से रिप्लेस हो जाएगा ये फाइव नाइन एंड सिक्स नाउ मैं अगेन आई इक्वल टू वन एंड जे इक्वल टू टू ऑपरेशन अप्लाई करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सीरो सीरो बिकॉज नाउ आई इक्वल टू जे एक ऑपरेशन के बाद आई से लेके जे इंडेक्स तक सभी एलिमेंट सेम हो जाएंगे दैट इज ए आई माइनस ए जे तो दूसरी बार अगर मैं सेम आई और जे पे ऑपरेशन अप्लाई करूंगा तो वहां पे सभी वैल्यू जीरो हो जाएगी इज नथिंग बट जीरो माइनस नाइन विच इज नाइन तो ये क्या हो जाएगा मी टेक दिस जीरो आई इक्वल टू वन हालांकि टू से भी हो जाएगा बट मी टेक वन तो ये, 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 ये डिफरेंस नाइन है तो सभी को नाइन से रिप्लेस कर दिया ये है Now, इन दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई करो तो नाइन 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 इन दोनों का डिफरेंस क्या है थ्री तो थ्री थ्री अगेन इन दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई करो नाइन 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 जीरो जीरो नाव इस नाइन से इस जीरो तक ऑपरेशन अप्लाई करो नाइन 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 यहां पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गई दैट इज 45 क्योंकि किसी भी एलिमेंट की वैल्यू नाइन से बड़ी नहीं हो सकती नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइव सो दिस शुड बी द सम पॉसिबल हमें बस ये चेक करना था कि क्या ये अचीवेबल है कि नहीं तो ये एक तरह से अचीवेबल है लेकिन स्पेशल केस देखना पड़ेगा मतलब कि अगर आपका जो एरे है उसकी लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू फोर है क्योंकि देखो यहां पे हमें पहले क्या करना पड़ा पहले दो जीरो सीरोन करने पड़े फिर जीरो और सीरो का कॉम्बिनेशन लेना पड़ा तभी नाइन माइनस जीरो ऑप्टेन करने के लिए मुझे एक सब एरे पे दो बार ऑपरेशन करने पड़े इसका मतलब अगर मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू फोर होंगे तो ये हमेशा हो जाएगा क्यों क्योंकि मान लो अगर मेरे पास चार एलिमेंट्स है और मैक्सिमम एलिमेंट यहां पे है तो मैं इस सब एरे पे दो बार ऑपरेशन अप्लाई करूंगा तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे फिर इसको और इसको और कंबाइन करके सभी को मैं नाइन कर दूंगा अगर मेरा मैक्सिमम एलिमेंट यहां पे है जैसे यहां पे है तो मैं इन दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई करके पहले इन दोनों को जीरो करूंगा फिर इन तीनों को नाइन कर दूंगा जैसे कि यहां पे किया है इस स्टेप में फिर इन ये अभी तीनों के तीनों नाइन हो गए फिर इन दोनों की इन दोनों पे दो बार ऑपरेशन परफॉर्म करके जीरो कर दूंगा जैसे कि यहाँ पे किया है एंड फिर इस नाइन और इसका कॉम्बिनेशन लेके सबको नाइन कर दूंगा ठीक है सिमिलरली यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट होगा तो भी हो जाएगा अगर यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट होगा तो भी हो जाएगा अगर फोर लेंथ से बड़ा है तो पॉसिबल तो ही है जैसे फाइव का एग्जाम्पल हमने लिया है ठीक है तो हमारा क्या क्या हो गया एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू फोर है तो ऑलवेज पॉसिबल है ठीक है तो इसमें आंसर क्या होगा एन इन टू मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ दी एरे ठीक है अगर एन इक्वल टू टू है और एन इक्वल टू थ्री है तो ये दो केस अब हमें देखने पड़ेंगे अगर मैं एन इक्वल टू टू की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ दो पॉसिबिलिटी है क्या दो एलिमेंट अगर मेरे पास है लेट से नाइन एंड सिक्स तो एक तो ये है कि मैं ऑपरेशन ही परफॉर्म ना करूं तो इनका सम है फिफ्टीन एक है कि मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके ऑपरेशन परफॉर्म करूं एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं थ्री एंड थ्री इनका सम है सिक्स तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसको प्रिंट कर देंगे अगर वापस इस पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये जीरो जीरो हो जाएगा जो कि कोई मीनिंग नहीं है अब हो सकता है कि इससे ज्यादा इसका सम हो कैसे लेट मी टेक नाइन एंड वन तो यहां पे सम है टेन लेकिन अगर मैं इन पे ऑपरेशन अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा एट एन एट और इनका सम क्या है सिक्सटीन तो हो सकता है ये ज्यादा हो हो सकता है ये ज्यादा हो तो सिंपली स्पीकिंग अगर एन इक्वल टू टू है तो मेरे पास दो ऑप्शन है ए ऑफ जीरो प्लस ए ऑफ वन या तो फिर टू टाइम्स ए ऑफ जीरो माइनस ए ऑफ वन ठीक है इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मेरा आंसर हो जाएगा नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग केस एन इक्वल टू थ्री देखो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो पूरे एरे में फैल जाए ठीक है क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट से ज्यादा तो वैल्यू हो नहीं सकती तो जब एन इक्वल टू थ्री है तो दो केस में तो हम मैक्सिमम एलिमेंट को तीनों के तीनों प्लेसेस पे कवर कर लेंगे कब जब मेरा मैक्सिमम एलिमेंट फर्स्ट पोजिशन पे होगा एंड जब मेरा मैक्सिमम एलिमेंट थर्ड पोजिशन पे होगा

तो यहां पे एक डिफॉल्ट केस क्या हो सकता है ए ऑफ जीरो प्लस ए ऑफ वन प्लस ए ऑफ टू ठीक है दूसरा अगर मेरा मैक्सिमम एलिमेंट फर्स्ट या थर्ड पोजीशन पे है तो तीनों के तीनों पोजीशन पे मैं उसको फिल कर सकता हूं तो इन जनरल मैं सिंपली ये लिख सकता हूं थ्री टाइम्स ए ऑफ जीरो एंड थ्री टाइम्स ए ऑफ टू जीरो वन टू तीन इंडेक्स है हो सकता है कि यहां पे मैक्सिमम एलिमेंट ना हो उसके केस भी हम आगे लेके देखेंगे बट अगर हमें ज्यादा कंपैरिजन नहीं करना है तो मैं सिंपली ये लिख सकता हूँ थ्री टाइम्स जीरो थ्री टाइम्स ए ऑफ टू क्योंकि अगर मैं चाहता हूं कि फोर तीनों पोजीशन पे हो तो वो भी कर सकते हैं नाइन माइनस वन वु गिव मी एट 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 विल रिजल्ट इन टू जीरो जीरो एंड देन फोर 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 ठीक है तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम एलिमेंट कॉर्नर पोजिशन पे होगा तो वो कवर हो जाएगा नहीं होगा तो आगे केस देख ही रहे हैं तो सिंपली मैं ये लिख दूंगा अब थर्ड केस आता है जहां पे जो बड़ा एलिमेंट है वो सेंटर में है मतलब कि नाइन वन एंड फोर ठीक है तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम तीनों पोजीशन पे ला सकते हैं जो लार्जेस्ट एलिमेंट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट का है मतलब कि नाइन माइनस वन इज हाउ मच एट तो मैंने एक ऑपरेशन अप्लाई किया आई इक्वल टू वन एंड जे इक्वल टू टू पे तो ये एट हो गया ये एट हो गया ये फोर हो गया अब इस सब एरे पे ऑपरेशन अप्लाई किया तो ये एट हो गया ये फोर हो गया ये फोर हो गया अब वापस इस सब एरे पे ऑपरेशन अप्लाई किया तो ये जीरो हो गया ये जीरो हो गया ये एट हो गया अब पूरे एरे पे ऑपरेशन अप्लाई किया तो ये क्या हो गया एट एट एंड एट ठीक है तो नाउ एट थ्री जै ट्वेंटी फोर दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एट है और यहाँ पे भी एट है तो नाइन माइनस एट गिव मी वन वन ठीक है लेकिन ये एट प्लस नाइन प्लस एट वाला केस यहां पे कवर हो जाएगा ए जीरो प्लस ए वन प्लस ए टू में ठीक है तो ये वाला जो केस है जहां पे हम नाइन यहां पे क्या था लेट्स से तो ये वाला जो केस है जिसमें लार्जेस्ट नंबर सेंटर में है और कॉर्नर में सबसे छोटा एलिमेंट है उन दोनों का डिफरेंस बहुत बड़ा है जैसे एट तो हम उसको तीनों में ला सकते हैं तो इसके दो केस बन सकते हैं थ्री इन ए ऑफ वन माइनस ए ऑफ जीरो या तो फिर थ्री इन टू ए ऑफ वन माइनस ए ऑफ टू क्योंकि स्मॉलेस्ट एलिमेंट जीरो पे भी हो सकता है टू पे भी हो सकता है तो हम क्या कर सकते हैं अब लार्जेस्ट एलिमेंट चाहे थर्ड एलिमेंट पे हो सेंटर पोजिशन पे हो लेफ्ट हैंड साइड पे हो इन पांचों केस में सभी केस कवर हो जाएंगे तो हमें यह चेक करने की जरूरत नहीं है कि लार्जेस्ट एलिमेंट कहां पे है हम सिंपली क्या करेंगे इन पांचों में से जो मैक्सिमम होगा वो प्रिंट कर देंगे जो भी केस होगा वो अपने आप ले लेगा अगर एन इक्वल टू टू है तो इन दोनों में से मैक्सिमम प्रिंट करना है एन इक्वल टू थ्री है तो इसमें से मैक्सिमम प्रिंट करना है और एन ग्रेटर देन इक्वल टू फोर है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द एरे प्रिंट करना है ठीक है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एक फोल लूप लगेगा एन साइज का तो ये बिग ऑफ एन हो जाएगा और ये गिवन आउट में इजिली हो जाएगा आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर इसका सोल्यूशन कोड मैंने कॉमेंट्स में प्रोवाइड किया थैंक यू